हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिकप्लेक्स पे। जी हां, इस वक्त एक बेहतरीन मैच, और वो मैच है मैं आपको बताना चाहूंगा, नेदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश। मैच प्रीव्यू में हाजिर है एक मैच के फैक्ट के साथ। कितना अहम है ये मैच, किस टीम के लिए कितना अहम है, ये सारी बातें हम आपको इस मैच प्रीव्यू के दौरान बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मैच नंबर 27 27वां मैच ग्रुप डी का मैच है, और अहम इसलिए है क्योंकि इस ग्रुप में देखे तो साउथ अफ्रीका राइट ऑन द टॉप, बॉटम पे जो टीमें हैं उसमें श्रीलंका कह सकते हैं आप, 3 मैचेस में 2 अंक है। नीदरलैंड्स जिनका मैच है कल शाम भारत के 8 बजे के समय के अनुसार, उन्होंने 2 मैच खेले, 1 जीते हैं अगेंस्ट द नेपाल। हालांकि बांग्लादेश के लिए ये जो सिचुएशन है ये कहना और समझना थोड़ी सी मुश्किलों से 2-4, क्योंकि हाल ही में उन्होंने जो एक मुकाबला खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और आखिरी बॉल पे मैच हारे हैं वो। एक समय तो लगा कि महमूदुल्लाह का वो छक्का चला जाएगा तो शायद आज सुपर 8 में पहुंचने के चांसेस पूरे के पूरे हो गए होते, लेकिन जी नहीं, क्रिकेट में केशव महाराज उस ओवर में हीरो बने और 114 रन का भी लक्ष्य बहुत ही आसान नहीं हो गया वो टीम के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना केवल नीदरलैंड के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के पास भी चांसेस हैं, क्योंकि ये ऐसा चांस बन रहा है कि कोई भी एक टीम अगर 4 पे जाएगी, रन रेट थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, वो क्लिक करके वो सीधे सुपर 8 में जा सकते हैं। और बांग्लादेश की तो मैं गेंदबाजी की जितनी भी तारीफ करूं कम है। इस दौरान अगर आप देखें तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये 3 ऐसे मैं समझता हूं कि देश रहे जिनकी गेंदबाजी बहुत ही है। तंजीम हसन शाकिब का अगर आपको याद होगा पिछला स्पेल, उन्होंने क्या कमाल की बॉलिंग की। रिशाद है, इसके अलावा तश्कीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। बैटिंग में थोड़ा सा कोलैप्स कर रही है लिटन दास, वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। शाकिब अल हसन बड़ा नाम, लेकिन दर्शन अभी तक छोटे रहे हैं। और वही अगर मैं बात करूं तो ये देखना होगा कि नीदरलैंड्स की बैटिंग में लेविट, वो बड़ा अभी तक इनिंग नहीं आए। विक्रम अजीत सिंह जो कि भारतीय मूल के हैं, अभी भी उनको बैटिंग से थोड़ा रन बनाने की जरूरत है। बैन ने 40 बनाए थे नीदरलैंड की तरफ से एक मैच में, लेकिन वो काफी नहीं है। लीडेक जो कि ऑलराउंडर है, उनका भी परफॉर्मेंस आना बाकी। एडवर्स विकेट कीपर टीम के कैप्टन, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये मैच जीतना और ग्रुप के पोजीशन में थोड़ा सा ऊपर आना और सुपर 8 में संभावनाएं बरकरार रखना। बॉलिंग में वैन वीक, ट्रिम प्रिंगल और विवियन किंगमा, ये बड़े नाम है, इन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अगर गेंदबाज कुछ बेहतर कर गए तो परेशानी होने वाली है बांग्लादेशी टीम को। लेकिन दोनों टीमों का अगर देखें तो एक जो कह सकते हैं कि मजबूती वो 50-50 लग रहा है। ऐसे मैच देखने में और सुनने में बड़े आनंदित होते हैं, और इनका रिजल्ट भी बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। तो ये मैच अहम मैच है ग्रुप डी का। उम्मीद करता हूं कि मैच प्रीव्यू शायद आपको अच्छा लगा होगा, और लगातार हमारे साथ ऐसे ही मैच प्रीव्यू में अपने कमेंट्स हमें भेजते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।